Welcome my channel first wall live testing। दोस्तों DSSB का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके तहत आपको यहाँ पर पटवारी, हेड क्लर्क, टीचर का यहाँ पर वैकेंसी आपको मिलने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी का तहे दिल के साथ स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट वो लाइव टेस्टिंग पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, नोटिफिकेशन की सारी जानकारी देने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको लगातार ऐसी नई नई जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दिल्ली सुबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB द्वारा यह वैकेंसी जारी की गई है। तो इसके तहत आपको यहां पर असिस्टेंट टीचर का पोस्ट, पटवारी LDC ऑनलाइन 2021 का यहां पर पोस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 12 मई 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके तहत दोस्तों आप यहां से टीचर के लिए, पटवारी के लिए, LDC के लिए और हेड क्लर्क के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको लगातार ऐसी नई नई वैकेंसियों की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों एज लिमिट यहां पर रखी गई है टीचर्स TGT के लिए, 32 ईयर्स से कम उम्र का व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC के लिए यहां पर 18 से 27 ईयर्स का व्यक्ति आवेदन कर सकता है और पटवारी पोस्ट के लिए यहां पर 21 से 27 ईयर्स का व्यक्ति आवेदन कर सकता है और अदर्स जो पोस्ट है हेड कलर का, वहाँ पर 30 ईयर्स से कम व्यक्ति का यहाँ पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों टोटल पोस्ट वैकेंसी की बात करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको यहां पर 7236 पोस्ट आपको मिलेगी, 7236 पोस्ट आपको यहां पर मिलेगी। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं यहां पर ग्रेजुएट टीचर की, यहां पर आपको टोटल पोस्ट यहां पर 6258 पोस्ट आपको मिलेगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो रखी गई है आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इनके पास होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अनुसार और डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन का डिप्लोमा होना उनके पास जरूरी है और CTET एग्जाम पास आउट वह व्यक्ति होना जरूरी है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए यहाँ पर जो योग्यता रखी गई है वह यहाँ पर 10th-12th पास व्यक्ति और साथ में यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और CTET पास आउट व्यक्ति होना जरूरी है। LDC के लिए यहाँ पर दोस्तों 268 पोस्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी जो योग्यता रखी गई है यहाँ पर क्लास 10th हाई स्कूल पास आउट, इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM और हिंदी टाइपिंग 30 WPM का स्पीड होना ज़रूरी है। उसके साथ ही पटवारी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और किसी भी यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। टोटल पोस्ट आपको 10 पोस्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों योग्यता की इस डिटेल को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको इसके ऊपर आवेदन कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लिंक एक्टिवेट ऑन अप्लाई ऑनलाइन के लिए 25 मई 2021 तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद आप दोस्तों यहां से ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसका अप्लाई का पूरा वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट है अप्लाई का वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।